दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर के पिता पुत्र की जोड़ी को बेहतर जोड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल होते ही अर्जुन तेंदुलकर ने मचाया अपने बल्ले से हाहाकार। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली सीरीज के लिए अर्जुन तेंदुलकर की एंट्री भारतीय टीम में हो चुकी है। इस दौरान अर्जुन तेंदुलकर ने भारतीय टीम में शामिल होते ही अपने बल्ले से ऐसा तूफानी प्रदर्शन कर दिखाया है जिसको देखकर दिग्गजों के भी होश उड़ गए हैं। तो आखिरकार अर्जुन तेंदुलकर ने किस प्रकार तूफानी प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ में अर्जुन तेंदुलकर की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में कौन सा खिलाड़ी भारत के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भविष्य में रहने वाला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम को एक महीने का ब्रेक मिला है, जिसके बाद अब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने वाली है, जहां पर भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक महीने तक लंबी सीरीज खेलनी है। इस दौरान 12 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलने वाले इस सीरीज के अंदर 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे मैच और 5 टी20 मैच की सीरीज होने वाली है, जिसके लिए भारतीय टीम अभी से तैयारियों में लग गई है। इस दौरान टी20 सीरीज की तैयारी में नए युवा खिलाड़ियों की एंट्री भारतीय टीम में हो रही है। इस बीच वेस्ट इंडीज की धरती पर टी20 सीरीज के लिए अर्जुन तेंदुलकर की भी एंट्री हो चुकी है और अर्जुन तेंदुलकर ने भारतीय टीम में शामिल होते ही अपने बल्ले से तहलका मचाकर सभी को प्रभावित किया है। दरअसल अर्जुन तेंदुलकर ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शतकी पारी खेली। आपको बता दें, अर्जुन तेंदुलकर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने बल्लेबाजी से तहलका मचाया है। दरअसल अर्जुन तेंदुलकर ने 40 गेंदों पर 130 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने अपना खाता छक्के के साथ खोला, तो वहीं उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 21 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच अर्जुन तेंदुलकर चोटिल भी हो गए और काफी दर्द में दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा विकराल रूप धारण किया और अब तो उनको रोक पाना लगभग असंभव हो गया। इस दौरान अर्जुन ने एक ओवर के अंदर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज को लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 34 रन उड़ा दिए और अपना शतक भी बड़ी आसानी से पूरा कर लिया, जहाँ पर उन्होंने अपना शतक मात्र 32 गेंदों पर पूरा किया। इसके बाद भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को जारी रखा। इस दौरान उन्होंने गेंदबाज सेल्डन कॉर्टराइट को लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके लगा दिए, 40 गेंदों पर 130 रन की पारी खेली, लेकिन इस बीच उन्होंने अपना विकेट रन आउट होकर दे दिया, जहां पर उन्होंने अंत तक 40 गेंदों पर 130 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 16 चौके और 10 छक्के लगा दिए। इस दौरान अर्जुन तेंदुलकर का स्ट्राइक रेट 325 का रहा। ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर की इस तूफानी प्रदर्शन को देखकर हर कोई हैरान रह गया और हर कोई उनकी तारीफ करने लग गया। ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि वह जल्द से जल्द भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और भारतीय टीम के लिए अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर को भारतीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।